केरवा हत्याकांड के मामले में बताएं क्या कुछ सामने आया। कल दिनांक 4/7/2024 को मनोज कुमार शाह हैं, उनको घर पर जाकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जानकारी के साथ ही तुरंत जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक SIT टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल जो है मुख्य अभियुक्त जो हरिओम कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा कन्फेशनल बयान में दोनों अभियुक्तों की नाम आई है, जिसके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान की जा रही है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संदर्भ में कांड संख्या सहारघाट 5624 दर्ज किया गया है और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान पर जो है कार्रवाई छापामारी की जा रही है। जैसा कि गिरफ्तार अपराधी के कन्फेशनल बयान और इससे आती बात सामने आई है कि इन दोनों परिवारों के बीच में पुरानी कोई आपसी रंजिश थी, जिसमें जो अभियुक्त का परिजन है उसकी हत्या आज से 14 साल पहले कर दी गई थी। तो उसी को लेकर जो है मनोज कुमार शाह 6 महीने पहले जो है उस कांड में जेल से सजा काट के आए थे, तो यही आपसी रंजिश के कारण बताया जा रहा है कि ये कांड किया गया। स्वीकारोक्ति है जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, उनके द्वारा बताया, उन्होंने स्वीकार किया है अपराध। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया है। अच्छा, इनके पिता की भी हत्या कुछ वर्षों पहले हुई थी जी। जिसके आरोपी वो मृतक थे कल वाले जी। तो उस घटना से जोड़कर इसको पुलिस देख रही है क्या? हाँ, सभी बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की जा रही है और इस पे जो भी तथ्य आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी अभी एकमात्र है। हाँ, कांड दर्ज होते ही 5 घंटा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT टीम काम कर रही है। हम लोग वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान। SIT में कौन लोग सब हैं? SIT में यहाँ जो है अंचल निरीक्षक बिनपट्टी, SHO सहारघाट एवं अन्य टीम। क्या सब बरामद किया गया था इसमें? हत्या में प्रयुक्त की गई CT 100 बजाज मोटरसाइकिल और घटना स्थल से 7.6 mm का खोखा बरामद किया। Thank you.